ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणि प्रसारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका इस हरिनाम की अतुल्य महिमा कक्षा में स्वागत है। जो भी एकत्रित वैष्णव वैष्णवी वृंद है, आप सबके चरणों में शत शत नमन। कृतज्ञता भाव से मैं झुकता हूँ और आप सबको धन्यवाद कहता हूँ कि आप इतने आदरात्मक भाव से यहाँ जुड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दीनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन धनी बड़ा अभिमान। जो बड़े बड़े राज्य कुल में उत्पन्न होने के गर्व से स्नापित रहते हैं और जो इस भाव से गर्विष्ट रहते हैं, छाती फूल कर चलते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, हम पंडित हैं, अथवा हम बहुत धनी हैं, हम विश्वविख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, बस केवल विख्यात होना, केवल धनाढ्य होना, केवल श्रीमंत होना, केवल पंडित होना, ये भगवत प्राप्ति के लिए अनुकूल नहीं है। ये भगवत प्राप्ति के लिए सर्वसमर्थशाली नहीं बनाता व्यक्ति को। जो व्यक्ति भक्ति भाव से पूर्ण रूप से डूबा हो भक्ति के इस तरंग में और नम्र विनम्र भाव से वैष्णवों के चरणों को ही अपना सिर मोर धारण करके या मानो मुकुट मानकर जो चले, ऐसी व्यक्ति को प्रभु मिलते हैं। जो छाती फूल कर सीना टान कर चलते हैं उनको प्रभु नहीं मिलते, परंतु जो वैष्णवों के चरण रज में रेंगना जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे दीनहीन अकिंचन त्वम अकिंचन गोचरम, ऐसे दीनहीन अकिंचन व्यक्ति को ही प्रभु प्राप्त होते हैं। एक उदाहरण देकर प्रारंभ करेंगे आज की कक्षा को कि जो वृक्ष होता है वो आदि तूफान, शीतल वातावरण, उष्ण वातावरण सब कुछ सह लेता है, जिसको कहते हैं समर विंटर रेन। उष्ण काल हो, गर्मी का समय हो, ऋतु हो, अथवा ठंडी का मौसम हो, अथवा वर्षाकालीन आंधी तूफान लग जाए, वृक्ष खड़ा रहता है और सहिष्णुता भाव से सब कुछ सहन करने की सामर्थ्य होती है। परंतु छोटी सी जो लता होती है, पौधा, वो छोटे से झोंके में ही उन्मूलित हो जाती है। तो जो भक्ति में प्रवीण है, कुशल है, निपुण है, वो वृक्ष समान है। वो प्रशंसा हो अथवा निंदा हो, इनके आंधी तूफान झोंके से बिल्कुल सहिष्णुता भाव से खड़े रहते हैं, उनमें कोई प्रभाव नहीं होता। परंतु हम जैसे जो प्रारंभिक अवस्था के साधक हैं, हम सब लता पता, हम सब छोटे पौधे के समान हैं, और कहीं थोड़ी प्रशंसा आ जाए या थोड़ी निंदात्मक शब्द श्रवण का मानो सौभाग्य हो तो हम उन्मूलित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, हमारा मन चंचलित हो जाता। तो आप सबसे प्रार्थना है कि हम कथा में तो शब्द शैली निकलती है, पर आप प्रार्थना कीजिए कि इन शब्दों को जीवन में आचरण के रूप से आत्मसात करने का जो आत्मबल है ये मिल जाए। अगर जीवन में ना उतारा जाए तो क्या फायदा। नायम आत्मा प्रवचन ही न लभ्य, केवल बकबक करने से, प्रवचन करने से प्रभु नहीं मिलते। ऐसे प्रवचन हो जो जीवन में उतार कर व्यक्ति अपना अनुभव के रूप से, उस बल से, प्रभु के कृपा बल से यदि शब्द उद्धृत हो तो ये उत्तम है। परंतु केवल शब्द यदि उद्धृत हो और जीवन में आत्मसात न हो तो ये केवल पाखंड है, केवल ढोंग है। आज का जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय सभी वेदों का सार है। साधक के लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई विषय है, सुनने योग्य, पढ़ने योग्य, जीवन में उतारने योग्य, तो वो ये विषय है। आज के कथा का जो शीर्षक है यह है श्री हरिनाम की अतुल्य महिमा। यह है क्या हरिनाम? हर जगह सुनने को मिलता है कि भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम जपो, पर क्यों जपे भगवान का नाम? क्या है ये नाम का तत्व? क्या है नाम की अपार महिमा? क्या है, कितना गुरुत्व है प्रभु के नाम में? ये सब यदि चार वेद कोई ध्यान पूर्वक पढ़े,
सभी शास्त्रों का निचोड़ सारांश यदि कोई ग्रहण करे तो कोई दो राय नहीं है कि चारों वेदों का एकमात्र सारांश है, एकमात्र निष्कर्ष सार है, वो है भगवान का नाम। जो भगवान के नाम को धर लेता है, भगवान ऐसे व्यक्ति को धर लेते हैं, और जो भगवान के नाम को छोड़ देता है, जन्म जन्मांतर इस भौतिक संसार में, इस चक्रव्यूह में चक्कर काटता है, मुक्ति के द्वार खोजता है, पर मिलना असंभव। भगवद गीता जो भगवान के श्री मुख से गंगा प्रवाह उद्धृत हुआ है, प्रवाहित हुआ है, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः, ऐसी गीता जो भगवान श्री आदि शंकराचार्य भी जिस गीता के लिए महात्म्य लिखे हैं, ऐसी गीता में प्रभु कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों का सार यज्ञ, यज्ञ राज, यज्ञ शिरोमणि, यज्ञ चूड़ामणि, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ स्थान में यदि कोई विराजमान, प्रभु कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। कितनी सुंदर वाणी है, यदि इस एक वाणी को हम जीवन में उतारें, इस एक वाणी को केवल कंठस्थ नहीं, जीवन में हम आत्मसात करें, हे प्रभु अन्य यज्ञ करने के लिए ना समय है, ना निष्ठा है, ना कोई पदार्थ है, ना योग्य कोई पुरोहित है जो उच्चारण सहित सही गुण युक्त सही भाव से निस्वार्थ धन अर्जन के भाव से रहित होकर ऐसा कोई पुजारी कलिकाल में प्राप्त करना प्राय असंभव हो चुका। हे प्रभु घी भी पाना कलयुग में जो दोष रहित हो, मिश्रण रहित हो, ऐसा घी भी प्राप्त करना प्राय असंभव हो चुका। हे प्रभु यदि यज्ञ करना हो तो वो स्थान में दोष है, यज्ञ करने के समय में दोष है, यज्ञ करने में पदार्थ जो एकत्रित हुए उनमें दोष है, जो पुरोहित है उनमें दोष है, चाय पीते हैं, तंबाकू पाते हैं, और पहले धनराशि की चर्चा होती है कि कितना धनराशि मिलेगा ये यज्ञ संपन्न करने पर, और जिन घर में होता है वो व्यक्ति भी यज्ञ इसलिए करता है, इतने स्वार्थ भाव से करता है कि इस यज्ञ करने पर सुख शांति मिले। घर में यदि कोई काला जादू का प्रभाव हो अथवा कोई वास्तु के दृष्टिकोण से दोष युक्त हो, ये सब दोष हट जाए, बस ये स्वार्थ के लिए यज्ञ कर रहा है। जो यजमान यज्ञ कर रहा है वो भी स्वार्थ पूर्ण है, और जो पुरोहित है वो भी स्वार्थ पूर्ण है, जो पदार्थ है उसमें भी दोष है, जो समय निर्धारित किया गया उसमें भी दोष है, जिस काल में जिस स्थान में ये यज्ञ का समारोह मानो निर्धारित किया गया उसमें भी दोष है। हे प्रभु ऐसे दोष पूर्ण यज्ञ से आपकी प्रसन्नता आपकी संतुष्टि कैसे हो? तो प्रभु कहते हैं गीता के वाणी है, गीता के श्लोक है, ये कोई संप्रदायवाद नहीं है, ये कोई संस्थात्मक विचार नहीं है, ये कोई मेरा विचार नहीं है, ये कोई आस्तिकवाद का विचार नहीं है, ये प्रभु पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र स्वामी एकमात्र सृष्टिकर्ता सभी देवों के देव भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री मुख से उद्धृत हुई वाणी है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, गृह शांति यज्ञ, भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ हैं। अच्छा ये सब यज्ञ करने की ना हमें श्रद्धा है, न ज्ञान है, न समय है, न स्थान है, न मंत्र उच्चारण कर पाते हैं। कलिकाल में अवस्था ऐसी है कि कंठस्थ चार वेद तो दूरी है, आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर दिखाइए जो संस्कृत बोल पाता हो। अच्छा संस्कृत बोलना तो दूर, संस्कृत श्लोक जो अंकित हैं, प्रकाशित हैं ग्रंथ में, उसको केवल पढ़ ले, ऐसा व्यक्ति अब दुर्लभ हो चुका। शकार के जगह सकार लगता है, सकार के लगा शकार लगता है, त के जगह त लगता है, त के जगह द लगता है, हम पढ़ भी नहीं पाते। श्रील प्रभुपाद जी ने कृपा करके संस्कृत के श्लोकों को अंग्रेजी में भाषांतरित करके दिया ताकि अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते संस्कृत के श्लोक पढ़ा जाए, ऐसी कलिकाल की बद्ध अवस्था है। अब कहां जाकर हम प्रत्येक यज्ञ प्रत्येक अनुष्ठान में हमारा श्रद्धा पूर्वक सम्मिलित होने का भाव हो, कहां से प्राप्त करें, कहां से प्रामाणिक ज्ञान युक्त पंडित को ढूंढे जो हमें सिखाए कि पहले इस यज्ञ के क्रम अनुसार प्रणाली अनुसार पहले इसको करो फिर इसको करो फिर इसको करो। अरे यज्ञ तो दूर, हम तो आचमन भी करना नहीं जानते ऐसी हमारी अवस्था है।
शुद्धता अशुद्धता पवित्रता अपवित्रता इस सब विचार को खंडित करके हम पूर्ण रूप से अनर्थ और अपराध के महासागर में गोते लगा रहे हैं कलिकाल में। कौन सा ऐसा यज्ञ है, कौन सा ऐसा अनुष्ठान है, कौन सा ऐसा व्रत है जो हम कर पाते हैं। कलिकाल का मानो मति भ्रष्ट अवस्था ऐसी है कि भगवान को मनुष्य मानते हैं और कोई दाढ़ी वाले मनुष्य को भगवान। इसको कहते हैं माया, दैट विच इज नॉट। सत्य को असत्य मानना और असत्य को सत्य मानना। सभी यज्ञों में मैं जप का यज्ञ हूं, भगवान की वाणी है। यदि भगवान के नाम का जप किया जाए सभी यज्ञ संपन्न हुए। अच्छा, आप एक कुर्सी पर बैठे हैं, अपने घर में, अपने खोली में, अपने कमरे में बैठे हैं, और स्थान ठीक है और ध्यान ठीक है। आप ध्यान पूर्वक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान के पवित्र नामों को जिह्वा से उच्चारण कर रहे हैं, कर्ण इंद्रियों से उनका श्रवण कर रहे हैं, और आंख मूंद कर बस प्रार्थनात्मक भाव से जप चल रहा है। करोड़ों यज्ञ का जो फल नहीं है वो एक प्रभु के नाम में पाया जाता है। ये शास्त्र का सार है। ये हमारी मति नहीं है, ये हमारा मत नहीं है, हमारी वाणी नहीं है, ये प्रभु की वाणी है। इसलिए प्रभु कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता, गीता का दूसरा श्लोक, कि जो सतत कीर्तन करता है मेरे नाम को ही यज्ञ शिरोमणि मानकर, जो नाम यज्ञ में तल्लीनता से पूर्ण रूप से आत्मन्योछावर किया है, ऐसा भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है। आप देखेंगे ये तो भगवत गीता की वाणी हुई। भागवत पुराण जो ग्रंथराज के रूप में विराजमान, इसके पहले श्लोक के अंतिम पद को देख लीजिए। व्यास देव कहते हैं सत्यम परम धीमहि, बहुत सुंदर वाणी है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम माने सत्य। अभी प्रश्न होगा ये सत्य कौन है, केवल सत्य कहने पर पता नहीं चलता कि सत्य कौन है। अच्छा, उसके लिए दशम स्कंद के दूसरे अध्याय का एक श्लोक उद्धृत करना होगा। जब भगवान श्री कृष्ण देवकी रानी के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो 33 करोड़ देवता उस कारागृह में प्रविष्ट होकर प्रार्थना करते हैं, और वहां देवी देवता कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। हे प्रभु, जो सत्य रूप में विराजमान है, जिनकी वाणी कभी असत्य के पथ पर नहीं चलती, जिनकी वाणी सत्य है, जिनकी लीलाएं सत्य हैं, जिनका रूप सत्य है, जिनका भक्त सत्य है, जो व्रत धारण करके सत्य रूप में उसको निर्वाह करते हैं, ऐसे सत्य शिरोमणि सत्य संकल्प रूपी प्रभु जो देवकी रानी के गर्भ में प्रवेश हुए हैं, हे कृष्ण हे सत्य स्वरूप आपकी जय हो। जब व्यासदेव श्रीमद भागवत का प्रारंभ करते हैं सत्यम परम धीमहि, वो धीमहि, अच्छा बहुवचन में प्रयोग, धीमहि संस्कृत में, धीमहि का अर्थ है ध्यान लगाना, ध्यान लगाना धीमहि। आप तो सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का शब्द है धीमहि। उच्चारण ना करें, केवल शब्द का मनन करें। तो धीमहि का अर्थ है ध्यान करना, ध्यान लगाना। पर ध्यान केवल एकवचन के विषय में नहीं, धीमहि का अर्थ है बहुवचन, सामूहिक दृष्टिकोण से ध्यान। अभी सोचिए, जब ध्यान शब्द पर ध्यान किया जाए तो हमारे चित्त में दर्शन होता है कि कोई साधु, कोई ऋषि कहीं घनघोर वन में एकांत वास करके पद्मासन लगाकर ध्यान मुद्रा में मग्न है। ध्यान की मानो ये परिभाषा होती है, परंतु धीमहि का अर्थ है बहुवचन में ध्यान, सब मिलकर ध्यान करें। अभी प्रश्न होता है सामूहिक दृष्टिकोण से सब मिलकर ध्यान, अरे ऐसी तो ध्यान की कोई शैली सुनने में नहीं आती। ध्यान तो मानो हमेशा ऐसे कहा जाता है, अरे निर्जन स्थान में, एकांत पवित्र स्थान में तुम बैठो और ध्यान लगाओ। परंतु भागवत के शब्द हैं सत्यम परम धीमहि, मानो परम सत्य भगवान कृष्ण का ध्यान हम सब सामाजिक दृष्टिकोण से, सामूहिक दृष्टिकोण से, सब मिलकर बहुवचन भाव से, एक वचन नहीं बहुवचन में हम सब ध्यान लगाएं। तो प्रश्न उठता है, ऐसा कौन सी ध्यान की शैली है कि जो हम सब मिलकर करें। देखिए, काव्य के दृष्टिकोण में एक मत है कि कोई भी ग्रंथ का सार यदि पकड़ना हो
तो उसके पहले श्लोक और अंतिम श्लोक को पकड़िए तो पूरे भाग पूरे ग्रंथ का सार मिल जाता है। तो भागवत में 18,000 श्लोक है और ये पहला श्लोक है और अंतिम श्लोक क्या है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। इसका अर्थ ये है कि नाम संकीर्तन यदि भगवान के नामों का करे, सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम, प्रभु के चरणों में यदि प्रणाम किया जाए तो दुख का शमन होता है, दुख नष्ट भी नष्ट हो जाते हैं। सार बात यह है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं नाम और प्रणाम सभी आध्यात्मिक फल का ये सार है। साधक के लिए, साधना करने के लिए तो कई अंग है पर ये सार है। देह से प्रणाम, भगवान के विग्रह को प्रणाम, भक्तों को प्रणाम, तुलसी देवी को प्रणाम, और मुख में नाम, मुख में नाम, शरीर से प्रणाम। ये अंतिम श्लोक है भागवत का। तो अभी मुझे बताइए, पहला श्लोक भागवत का कहता है सामाजिक दृष्टिकोण से, सामूहिक दृष्टिकोण से ध्यान लगाओ, और अंतिम श्लोक कहता है सामूहिक दृष्टिकोण से प्रभु का नाम जपो, कीर्तन करो, संकीर्तन करो। और इन दो श्लोकों को यदि समन्वय करके समतुल्य भाव से जोड़ा जाए तो ये निष्कर्ष पे आते हैं, ये सार बात निचोड़ निकलता है कि कली काल में यदि ध्यान सत्यम परम धीमहि बहुवचन सामूहिक दृष्टिकोण से यदि ध्यान करने के लिए कोई अंग है वो हरि नाम संकीर्तन है। भक्तों के संग में मिलकर प्रभु का नाम ऊंचे कंठ से उच्चारण करे, वाद्य यंत्र प्रयोग करे और नृत्य गान करे। पद्म पुराण और अन्य शास्त्रों में तो ये भी वर्णन है, भगवान का ऊंचे कंठ से जो उच्चारण करे नाम का और नृत्य में तल्लीन रहे, तो ऐसे महान वैष्णव के चरण रज से पृथ्वी मानो सुशोभित होती है। पृथ्वी देवी मेधिनी, धरा धरित्री धरणी पृथ्वी वसुधा मही, ये पृथ्वी के भिन्न भिन्न नाम है अमरकोश अनुसार। तो पृथ्वी देवी स्वयं अपने सिर के मुकुट को किस भाव से मानती है, कौन सा है मुकुट, शुद्ध भक्त जो कीर्तन में नृत्य करते हैं उनके चरण रज ही पृथ्वी के लिए मुकुट शिरोमणि है, मुकुट रूप में विराज। तो हमारा सार ये है कि गीता में प्रभु कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों का सार नाम है, हरि नाम है, और प्रभु कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, अरे हे अर्जुन, और अर्जुन को निमित्त बनाकर बाकी सब गीता के जो श्रोता हैं या पाठक हैं सबके लिए ये आदेश है कि सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान का नाम सतत कीर्तन करो, ऐसा एक क्षण वृथा ना जाए कि प्रभु का नाम नृत्यमान ना हो, नृत्य ना करे नाम जापक के जिह्वा पर। ये हमारा भाव होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी हमने कहा पहले श्लोक और अंतिम श्लोक को साथ मिलाकर यही भाव है कि सामूहिक दृष्टिकोण से यदि ध्यान की शैली हो कली काल में वो है सब मिल जाए, सभी भक्त एकत्रित हो जाए और संगीत के माध्यम से, ऊंचे कंठ के गान के माध्यम से, भिन्न भिन्न इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य यंत्र के माध्यम से और नृत्य गान कला के माध्यम से हम प्रभु के नाम का उच्चारण करें और नाचे। शास्त्र में तो वर्णन है नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन अचिरत पावे तुम्हें कृष्ण रचरण। अरे भक्तों के समुदाय में मिलो और नाचो और भगवान के नाम उच्चारण करते करते कीर्तन करो, शीघ्राति शीघ्र तुम्हें भगवान की चरण प्राप्ति सुलभता से प्राप्य है, प्राप्त होगी। ये सब शास्त्र के निचोड़ हैं। कलयुग में केवल आधार यदि प्राप्त करना हो, सपोर्ट, किसी एक अंग का आश्रय धारण करना हो, कलयुग केवल नाम आधारा, किनका नाम, प्रभु का नाम, केवल प्रभु का नाम। यदि प्रभु का नाम मुख में है, राम 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 मुख में है, अरे करोड़ों यज्ञ हो रहा है, करोड़ों यज्ञ। अच्छा कोई समय है, कोई सामर्थ्य है, कोई स्थान विशेष है, कोई व्यक्ति जाति विशेष, केवल ब्राह्मण करे, केवल गुरुकुली करे, कोई वृद्ध हो तो वो ना कर सके, कोई स्त्री शरीरधारी हो ना कर सके, ऐसा कुछ पाबंदी है नाम के उच्चारण में, ना, कोई भी कहीं भी कैसे भी। अच्छा सूर्यास्त के बाद यज्ञ अनुष्ठान करना वर्ज है, सूर्यास्त के बाद शालिग्राम की सेवा करना वर्ज है,
भागवतम को आप केवल पवित्र स्थान में बैठकर पढ़ सकते हैं, परंतु नाम प्रभु की ऐसी अपार महिमा, आहा, कोई भी व्यक्ति कहीं भी कैसे भी किधर भी किसी भी भाव से, भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, कोई भी भाव से हो। अच्छा, निद्राग्रस्त व्यक्ति शैया पलंग में लेटा है और रात के 2 बजे, वैसे 2 बजे तो दिन के हैं, सुबह के, जो साधु होता है 2 बजे तो दिन के सुबह के होते हैं, परंतु हम जैसे जो तमोगुणी है, 2 बजे मानो रात का समय। तो 2 बजे रात के समय कोई पलंग में, शैया में लेटा है, निद्राग्रस्त अवस्था में बस करवट ले रहा है, ऐसा व्यक्ति शालिग्राम को छू नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति भागवत के ग्रंथ को छू नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति विग्रह को छू नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति जो अपवित्र स्थिति में है तुलसी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि स्नान शौच क्रिया आदि अनिवार्य है, परंतु ऐसा व्यक्ति पैर फैलाकर जो पलंग में लेटा है 2 बजे रात के समय करवट ले रहा है, मुंह से लार टपक रही है, ऐसा व्यक्ति प्रभु का नाम उच्चारण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, वैष्णवे जाति बुद्धि, कोई जाति बुद्धि नहीं, कहीं भी जन्मा हो, अहो बतश्व पचतो गरीयान यज्जिभाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तृतीय स्कंद भागवत में वर्णन है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर यदि व्यक्ति प्रभु का नाम ना जपे तो ब्राह्मणत्व के जय घोष का क्या फायदा। और यदि कोई व्यक्ति ऐसे कुटुंब में, ऐसे परिवार में उत्पन्न हुआ हो जहां मांसाहार हो, गौ मांस, श्वान मांस, मानो कुत्ते का मांस चबाने का, पकाने का, यदि पकाने की यदि कोई परंपरा हो किसी के कुटुंब में, ऐसे चांडाल यवन म्लेच्छ कुल में भी उत्पन्न व्यक्ति अपने जिह्वाग्रे, पूर्ण जिह्वा से भी नहीं, केवल जिह्वा के अग्र भाग से, यहां से प्रभु का नाम उच्चारण करे, वो स्वयं को तो तारता ही है, पूरे 21 कुटुंब को तारने लगता है नाम जापक की इतनी अपार महिमा। जहां नाम जपा जाता है, कोई भी भाव से हो, गुस्से से हो, किसी का नाम यदि गोविंद है, कोई बच्चे का नाम गोविंद है और पिता डांट रहे हैं, गोविंद निकाल के रखो, पिता डांटने मतलब क्रोध कुपित अवस्था में डांट रहे हैं बच्चे को, पर उस डांटने में भी गोविंद नाम का प्रयोग है, इसलिए नाम जप का पूर्ण रूप से फल है। ऐसा नहीं कि अरे भाव से करो तो पूर्ण है, और अभाव से करो, क्रोध से करो, आलस से करो, गलती से करो तो फल नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे कभी किसी का नाम, यदि हम कहते हैं ऐसे कल्पनात्मक भाव, यदि किसी का नाम कल्पेश हो, ठीक है, और स्मरण नहीं हो रहा है, हम कहते हैं उनका नाम क्या है, कृष्ण है, नहीं क्या है, कल्पेश है, तो अब ये जो गलती हुई ना कृष्ण करके फिर कल्पेश, वो करोड़ों गलतियों से हमें तारेगी। इतनी अपार महिमा युक्त नाम। आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, छाती ठोक कर कहते हैं, चौ युग काल तीन तिहो लोका, राम नाम जपी जीव बिशोका। 4 युग में ये प्रामाणिक बात देखी गई, चौ युग, सत्ययुग, त्रेतयुग, द्वापर युग, कलयुग, चौ युग काल तीन, तीन कालों में, भूत, वर्तमान, भविष्य, और तिहु लोका, 3 लोकों में, ऊपर के स्वर्ग में, मध्यस्थ पृथ्वी में, और नीचे अधोगति में, नरक में, 3 लोकों में, 3 काल के प्रभाव में, भूत, वर्तमान, भविष्य, और 4 युगों में, ये बात स्पष्ट हुई है कि राम नाम जपी जीव विशोखा, जो जीव प्रभु राम नाम का आश्रय ले लेता है वो शोक रहित हो जाता है। इतनी सुंदर बात, सभी शास्त्रों का सार। चलिए रामायण से और सुनते हैं। ब्रह्मांबोधि समुद्भवम कलिमलम प्रध्वंसनम चाव्ययम् श्रीमत् शंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम् सर्वदा संसारामय भेषजम् सुखकरम् श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनो पिबन्ति सततम् श्री राम नामामृतम्। आहा, इतनी अद्भुत बात। राम नाम की महिमा गाते गाते आचार्य चरण लिखते हैं, ब्रह्मांबोधि समुद्भवम्। जब दुग्ध महासागर का मंथन हुआ, ये तो प्रसिद्ध कथा है, समुद्र मंथन, कहते हैं उससे क्या निकला, विष निकला, परंतु 4 वेद का महासागर को जब मंथन किया गया, विष नहीं निकलता, राम नाम का अमृत निकलता है। ओहो, जब महासागर, समुद्र मंथन,
दुग्ध महासागर का मंथन हो तो एक छोटा कलश मिलता है, एक मटका अमृत, उसके पहले कितना विष निकला। परंतु चार वेदों के महासागर को यदि मथा जाए, कोई विष नहीं निकलता, केवल महासागर निकलता है अमृत का, नामामृत का। और आश्चर्यजनक बात तो ये है कि दोनों कथाएं में शिवजी पी रहे हैं शिवजी पान कर रहे हैं, वहां दुग्ध महासागर का जो विष है वो भी शिवजी पान कर रहे हैं और कंठ में रख रहे हैं, और यहाँ चारों वेद का मंथन करके जो राम नाम का अमृत निकला है उसको भी समशोभितम सर्वदा सदा सर्वदा पान करके, मुख में रख के, कंठ में रख के, पूरे हृदय से जय घोष करने वाले नाम जापक शिवजी है। बोलो शंकर भगवान की जय, वैष्णवानाम यथाशंभु की जय। ऐसे राम नाम के जापक शिवजी के अतिरिक्त कहीं नहीं। विष्णु सहस्र नाम को पाठ करते करते पार्वती देवी कहती है, हजार नाम विष्णु का यदि मध्य प्रदेश के भक्त को यदि पाठ करने में समय ना हो तो फिर कैसे उसको पाठ किया जाए विष्णु सहस्र नाम, हजारों नाम कंठस्थ करने के लिए, मानो उच्चारण करने के लिए 30 मिनट तो लगता है। और पार्वती देवी हम सब के लिए कह रही है, मध्य प्रदेश के भक्त कितने व्यस्त तो होते हैं, नौकरी धंधा, घर बार, बच्चे, कारोबार, कितनी कुछ व्यस्तता होती है जीवन में। हजारों नाम उच्चारण करने का यदि समय ना हो तो क्या किया जाए। और हमारे शंकर भगवान कहते हैं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। केवल राम नाम का उच्चारण कर लो देवी, केवल राम नाम का उच्चारण करो, हजारों विष्णु नाम के उच्चारण का फल तो एक एक राम नाम से होता है, और इतना सरल। देखिए विष्णु सहस्र नाम तो है बहुत सुंदर पर उच्चारण करने के लिए कठिन। जैसे क्षीरो दनवत प्रजेशे शुचि मणि विलसत सहिकते मौक्तिकानां माला कृप्ता सनस्त स्फटिक मणि निभाईर मौक्तिकैर मंडितांगः शुभ्रैर अभ्रैर दभ्रैर उपरि विरजितैर मुक्त पीयूष वर्षैः आनंदीन पुनीया दरि नलि नगदा शंख पाणिर मुकुंदः धूप आदौ यस्य नाभिर व्यद सुर नीलश्चंद्र सूर्यौ च नेत्र। अरे बस करो प्रभु जी, क्या क्या कर रहे हैं, बच्चे की जान लेंगे हम कैसे उच्चारण करें ये सब। देवी पार्वती कृपा करके मां स्वरूप है तो शिव जी से पूछती है, हमारे बच्चे नहीं बोल पाते, हम करें क्या। तो शिव जी ने कहा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे देवी, हजारों विष्णु नाम का फल दो अक्षर राम नाम से प्राप्त है, और राम तो सब बोल पाते हैं, इतना सरल है। उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय हो, आपका नाम ना सही, आपके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिसका नाम राम है। रामकुमार शर्मा होगा उत्तर भारतीय हो, और दक्षिण भारतीय हो तो रामकृष्ण गोपाल सुब्रमण्यम नाम होगा राम लेकिन होगा, सभी शास्त्रों का सार। इसलिए कहते हैं, धन्यास्ते कृतिनोपि बंति सततम श्री राम नामामृतम। अरे धन्य है वो जिह्वा, धन्य है वो हृदय, धन्य है वो जीवन, धन्य है वो जीव, सदा सर्वदा जिनकी जिह्वा पर, जिनकी रसना पर नाम का उच्चारण हो। प्रभु का नाम प्रभु को अधीन करता है, इतनी अद्भुत बात। सीता देवी पहला उदाहरण, शबरी जी दूसरा उदाहरण, विभीषण जी तीसरा उदाहरण, ये तीनों प्रभु से विरह भाव में दग्ध हो रहे थे, जल रहे थे, तीनों प्रभु से विलग हो चुके थे। शबरी देवी तो अपने कुटिया में प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी, विभीषण भी लंका में आसपास प्रत्येक दिशा में केवल राक्षस असुर, इनके बीच में दबकर विभीषण जी भजन कर रहे थे, और सीता देवी तो अपहरण होकर अशोक वाटिका में प्रभु के विरह अग्नि में जल रही थी। ये तीनों, शबरी हो, सीता देवी हो या विभीषण हो, प्रभु दूर थे पर प्रभु का नाम उनके जिह्वा पर था, जिसके बल पर प्रभु महासागर पार कर आकर सीता देवी को प्रत्यक्ष दर्शन दिए, विभीषण को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अरे भिन्न भिन्न ऋषियों की कुटिया में नहीं गए, परंतु शबरी देवी की छोटी कुटिया में प्रवेश हुआ प्रभु राम के चरण कमल का। क्यों? क्योंकि जहां राम नाम है वहां प्रभु स्वयं राम अवतरित हो जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। इतनी अद्भुत बात, हम भी तो प्रभु से विरह है ना, हम भी तो विलग हो चुके हैं, प्रभु वहां वैकुंठ में है, गोलोक में है, और भवसागर पार करके हम यहाँ हैं।
तो विभीषण की अवस्था, शबरी जी की अवस्था, सीता देवी की अवस्था बहुत प्रोत्साहन प्रेरणा प्रदायक है हम सबके लिए। हम प्रभु से तो अलग हो चुके पर परंतु प्रभु को अधीन करने वाला परम पावन कल्याणकारी नाम हमारे जीवन में है, जिस नाम को घिसने पर, जिह्वा और होठों के घिसने पर नाम से रूप प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दो पत्थर को लेकर यदि परस्पर घिसा जाए तो अंदर स्थित अग्नि वहां प्रज्वलित होती है, जिसको फ्रिक्शन कहते हैं, अंदर की अग्नि बाहर निकलती है। उसी प्रकार हमारे होंठ और जिह्वा के परस्पर फ्रिक्शन से, परस्पर घर्षण से, घिसने पर होता क्या है, अंदर की अग्नि रूपी प्रभु का रूप दर्शन बाहर प्रकाशित होता है। नाम को यदि जिह्वा से घिसा जाए, चमत्कार, नाम से रूप प्रकाशित। सीता देवी को रूप प्रकाशित हुआ, शबरी देवी को रूप प्रकाशित हुआ, विभीषण को रूप प्रकाशित हुआ। अरे कहना क्या, केवल मनुष्यों की बात नहीं कर रहे हैं, जटायु जो गृद्धराज हैं, इन्होंने भी प्रभु का दर्शन किया केवल राम नाम के बल पर। गजेंद्र को देख लीजिए, हाथी के शरीर में होकर नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, ऐसा नहीं कि वैकुंठ में प्रभु का रूप देख रहे थे, ना, वैकुंठ से रूप को घसीटने की, खींचने की सामर्थ्य आई गजेंद्र में, क्योंकि उन्होंने नाम का उच्चारण किया। हृदय में भाव हो, मुख में नाम हो और आंखों में अश्रु हो, इस तीन के त्रिवेणी संगम में प्रभु का आविर्भाव होता है। यदि कोई रो रोकर हृदय से भावपूर्ण और मुख में नाम हो, बस इन तीन नदियों के त्रिवेणी संगम में गोते लगाने का सौभाग्य हो तो प्रभु स्वयं अवतरित होते हैं। द्रौपदी का उदाहरण देख लीजिए, प्रभु है कहीं, कुरु सभा में अग्रे कुरुणाम अथ पांडवानाम दुशासेना ऋतवस्त्र केशा कृष्णा तदा क्रोश धनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीपाद बिल्व मंगल ठाकुर रचना में लिखते हैं, जब न पांडव ने सहायता की, न कौरव ने सहायता की, न आत्मबल ने सहायता की, न शरीर के बल ने सहायता की, न द्रोण ने सहायता की, न भीष्म देव ने सहायता की, न कृपाचार्य ने सहायता की, तब यदि किसी ने सहायता की तो नाम प्रभु ने सहायता की। द्रौपदी ने जोर से पुकारा गोविंद दामोदर माधवेति और प्रभु स्वयं आ गए। किस रूप में आए, केशव धृता वस्त्र शरीरा, केशव धृता वस्त्र शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, हरे जय जगदीश हरे। प्रभु तो मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह रूप में आते हैं ना, द्रौपदी के लिए तो सारी बनकर आए, वस्त्र बनकर आए। क्यों? क्योंकि नाम का उच्चारण हुआ। जहां नाम वहां राम, जहां नाम वहां श्याम, जहां नाम वहां नहीं काम। हम कहते हैं ना, हृदय में बहुत कामना है। काम वासना से उत्तेजित अवस्था से हम मानो त्रस्त हो चुके। लोग कहते हैं बहुत हृदय में काम वासना है। अरे जहां राम वहां नहीं काम, जहां राम नाम वहां ही राम। राम की भक्ति हो या श्याम की भक्ति हो, एक बात कॉमन है, नाम ही वो डोरी है जिससे प्रभु रूपी पतंग को हम पकड़ सकते हैं। सभी शास्त्रों का सार है ये। द्रौपदी की पुकार, गजेंद्र की पुकार, प्रह्लाद की पुकार, ध्रुव की पुकार, जटायु की पुकार, सीता देवी की पुकार, विभीषण की पुकार, शबरी देवी की पुकार, अरे सभी भक्त यही बता रहे हैं, प्रभु दूर हो जाए कोई बात नहीं, पर यदि प्रभु का नाम, हमारा प्रभु है, हमारे इष्ट कौन है, प्रभु का नाम। हमारे जीवन में सखा कौन है, प्रभु का नाम। हमारे जीवन में संबंधी कौन है, प्रभु का नाम। एकमात्र हमारे हितैषी कौन है, प्रभु का नाम। हमारा कोई नहीं प्रभु के नाम के अतिरिक्त। चाहे जितनी पार्टी अटेंड कर लो, चाहे जितने हम इस जगत में फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं, फेसबुक फ्रेंड कहते हैं, हाँ फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं, या इंस्टाग्राम में हम नहीं जानते क्या कहते हैं, जो भी हो सोशल मीडिया में, चाहे जितने हम मित्र सखा बना ले, बंधु बना ले, जब मृत्यु के घाट यमदूत उतारते हैं हमें, तब हम अकेले होते हैं, तभी नहीं पुकार सकते, अरे मेरी तो इतने फ्रेंड्स हैं, इतनी फॉलोइंग है, इतने लोग मुझे जानते हैं।
कोई वहां खड़ा नहीं रहेगा यमराज की सभा में, कहते हुए कि अरे इसको छुड़ा दो, ये बहुत पार्टी अटेंड किया बेचारा, मेरे घर बहुत बार आता था और चिवड़ा खाता था। कोई नहीं खड़ा रहेगा तब, हमने इनके साथ बहुत क्रिकेट खेला, बहुत चेस खेला, इनको छुड़ा दो, कोई नहीं कह पाएगा, क्योंकि वो स्वयं यमदूत के वहां राज्य दरबार में खड़े हैं, अपने अपने सबकी स्थिति बिगड़ी हुई है। परंतु यदि एक सखा है जो हमारे पक्ष में खड़े हो सकते हैं, वो प्रभु के नाम है। यदि प्रभु का नाम खड़ा हो गया वहां और कहा इसको छुड़ा दो, यमराज और यमदूत को यदि प्रभु का नाम कहे इनको छोड़ दो, गहरी मित्रता है हमारे साथ, बहुत नाम जाप करते हैं, नाम जापक हैं, तो यमदूत क्या यमराज भी नमन करके छुड़ा देते हैं। छठे स्कंद में आप अजामिल के उपाख्यान को पढ़ लीजिए, इतनी अद्भुत बात है। पांचवें स्कंद के अंतिम अध्याय में 28 नरक का वर्णन है। वो सुनने के बाद परीक्षित महाराज कांपते हैं और प्रवक्ता शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं 28 नरक से मुक्ति कैसे प्राप्त किया जाए, कोई कैसे मुक्त हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, धन के लिए लोभ, स्त्री संग के लिए काम, कोई हमारे बात को काटे तो क्रोध, कोई हमसे आगे निकल जाए तो द्वेष, इन सभी दुर्गुणों के कारण हम नरक की यातना करते हैं, बहुत दुख भोगते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं कैसे ऐसे जीव की रक्षा हो, कैसे व्यक्ति उद्धार प्राप्त करे, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं केवल नाम, केवल नाम, केवल हरि नाम, इसके आश्रित हो जाओ। ये नाम इतना कल्याणकारी है, जहां प्रभु नहीं दिखते वहां प्रभु का नाम दिखता है। बोलो, हम एक बार हरिनाम संकीर्तन के लिए भक्तों के संग बाहर गए थे, अमेरिका में करताल मृदंग लेकर हम बाहर गए थे। प्रभुपाद जी हरिनाम संकीर्तन नगर संकीर्तन को बहुत मानो प्रधान स्थान पर रखते थे, और ये सभी भक्त का कर्तव्य है कि नाम जब भी किया जाए और नाम संकीर्तन भी किया जाए। तो एक बार हम उस गली से हरिनाम संकीर्तन हम कर रहे थे जहां मांसाहार भी हो रहा था, इस यहां देखो तो कत्ल खाना चल रहा था, मांस का भी लोग बेच रहे थे, और इस तरफ देखो तो शराब, और हम देख रहे थे कि हजारों की संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए थे, कोई शराब पी रहा है तो कोई मांसाहार कर रहा है, और कई तो हाथ में शराब रखकर मुख में मांस है। और जब कीर्तन कर रहे थे हम, ऐसे भी लोग थे जो खड़े होकर देख रहे थे विस्मय, क्या चल क्या रहा है। तो मैं कहता था अरे कृष्ण कृष्ण बोलो, तो वो व्यक्ति भारतीय संस्कृति का नहीं है, विदेशी है, वो जानता नहीं क्या बोल रहा है, मुख में मांस है, वो भी गौ मांस बीफ, और हाथ में शराब, और वो व्यक्ति कहता है कृष्ण कृष्ण। हम कह रहे हैं नाम प्रभु की जय हो। ऐसा अपवित्र अवस्था में प्रभु कभी दर्शन नहीं देंगे, कभी विग्रह का भी दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वैसा व्यक्ति मंदिर नहीं आएगा। पर धन्य है प्रभु का नाम, नाम उसी जिह्वा पर विराजमान जहां इस तरफ से गौमांस चल रहा है और इस तरफ से शराब, और बीच में नाम प्रभु आसन लगाकर विराजमान उसी जिह्वा पर। अद्भुत। अजामिल इतना पापाचारी, इतना व्यभिचारी, परंतु मरते समय पुत्र को पुकारते पुकारते नारायण नाम पुकारा, और उस नारायण नाम ने अजामिल की रक्षा की। ऐसा नहीं कि अजामिल नाम जापक था, ऐसा नहीं कि अजामिल बहुत भजनानंदी था, ऐसा नहीं कि अजामिल ने प्रभु को पुकारा, और ऐसा नहीं कि भाव बनाकर पुकारा। अरे मृत्यु अवस्था में पुत्र को भय की अवस्था से अकस्मात पुकारने वाले अजामिल का यम पाश काटा गया केवल नारायण एक नाम उच्चारण से। अरे इतना बलशाली, इतना बलवान प्रभु का नाम। तो यदि श्रद्धालु प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु को पुकारते पुकारते भाव लगाकर, नियम लगाकर, आसन लगाकर नाम जपे, तो कहां संशय है कि ऐसे व्यक्ति का उद्धार होगा या नहीं होगा। कंठी है कंठ में, माथे पर तिलक है, हाथ में तुलसी की माला है, मुख में नाम है। अरे ऐसा व्यक्ति स्वयं का मंगल तो करता ही है, जिस दिशा में केवल देख लेता है उस दिशा का मंगलमय अवस्था हो जाती है। तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत, जिस पत्थर पर चरण रखते थे वो पत्थर राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, पत्थर से, हम व्यक्ति से नहीं कह रहे, पत्थर से, पाषाण से शब्द ध्वनि निकलती थी, प्रतिध्वनि निकलती थी, जिसको एको कहते हैं।
पत्थर से शब्द निकलने लगता था, विठल विठल विठल, पांडुरंग पांडुरंग, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। देखो किस तर के नाम जापक थे तुकाराम महाराज, जहां चरण रखते थे उस पत्थर से राम कृष्ण हरि जय घोष होता था। 28 नरक से मुक्ति कराने वाला नाम है, केवल नाम एक बार मुख पर आ जाए, नाम अटक जाए तो सिद्धों की अवस्था हुई, परंतु नाम मुख में आ जाए बस, अभ्यास करके प्रयास करके मन नहीं लगेगा। हमारा मन कहेगा मत नाम जप मत करो, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करो, ये उंगली माला के बाहर मत रखो, ये उंगली से स्क्रॉल करो, मन कहेगा हमें, क्योंकि मन तो चाहता है ना कि नरक तक ले जाए हमें, वो अपना भजन कर रहा है। मन उसका भजन कर रहा है, क्या है उसका भजन, इस जीव को कैसे तो करके नरक ले जाऊं, और गुरुदेव अपना भजन कर रहे हैं कि इस जीव को कैसे भी करके भगवत धाम ले जाए। गुरुदेव कहते हैं नाम जपो, मन कहता है नाम मत करो, बाकी सब कर लो कोई बात नहीं, अरे कथा में बैठ जाओ कोई बात नहीं, वहां भी फोन से देख लो, प्रत्येक जाने की आवश्यकता नहीं, जूम में लॉग इन कर लो, वीडियो ऑफ कर लो, ऑडियो ऑफ कर लो, बर्तन करते करते सुन लो, गाड़ी चलाते चलाते सुनो, मन हमें फुसलाएगा, पलंग में लेटे लेटे सुन जाओ, कब आग लग गई कब लार टपकने लगी पता ही नहीं चले, मन हमें विचलित कराएगा। कथा सुनते समय भी ये वीडियो बहुत हो गया अब कुछ और सुनेंगे, मन विचलित करता है, फिर भी कथा में हो, कीर्तन में हो, कोई उत्सव में हो, मन लगाएगा, चलेगा कोई बात नहीं, मन कहेगा चलो सम्मिलित हो जाओ, पर नाम में मन कहेगा कभी नहीं, अरे क्योंकि नाम से तो मन में प्रहार हो रहा है, वज्रपात हो रहा है, आप बैठो 2 घंटे नाम जप करके दिखाओ, मन कहेगा उठ जाए, थोड़ा चलते हैं, थोड़ा खड़े होते हैं, थोड़ा यहां वहां टहलते हैं, देखते हैं अन्य भक्त क्या कर रहे हैं, थोड़ा फोन चेक कर लेते हैं, देखो मन क्यों विचलित होता है, आप फोन में जब स्क्रॉल करते हैं मन आपको ये नहीं कहेगा अरे बहुत समय से स्क्रॉल किया थोड़ा 2 माला जप लो, कभी मन नहीं कहेगा, आप टीवी देख रहे हैं मूवी देख रहे हैं तो मन कभी ये नहीं कहेगा अच्छा बहुत देख लिया ना अब थोड़ा भागवत पढ़ लो, मन कभी नहीं कहेगा, परंतु भागवत पढ़ते समय नाम जप करते समय मन कहेगा अरे बस करो अब थोड़ा इंस्टाग्राम देख लो, थोड़ा फेसबुक देख लो, थोड़ा व्हाट्सएप देख लो, थोड़ा यूट्यूब देख लो, कुछ भी कर लो पर नाम मत जपो, क्योंकि मन जानता है, जन्म जन्मांतर ये जीव मन के अधीन होकर सेवक भाव से इस जगत का चक्कर काट रहा है, और मन जानता है कि नाम सीधा प्रहार करता है मन पर, और मन का जो स्वामित्व भाव है वो नष्ट हो जाता है, और एक दास मन के चंगुल से छूटकर प्रभु के चरण हो जाता है, इसलिए मन कभी इस बात के लिए स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकृति नहीं देगा, परंतु खाईते शुईते जथा तथा नाम लो, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हो, चैतन्य भागवत में वर्णन है, उठते बैठते चलते फिरते खाते सोते नाम जपो, निरंतर मुख में नाम रखो, पता नहीं कितना और श्वास बचा है इस मानव शरीर में, पता नहीं और कितने रेचक पूरक कुंभक का हमें अवसर हो, योग शास्त्र में कहते हैं ना रेचक पूरक कुंभक, मानो श्वास का अंदर बाहर होना, पता नहीं हमारे फेफड़ों में और कितने श्वास का सौभाग्य है, कितने दिन कितने साल लिखे हैं कोई पता नहीं, कोरोना के समय छोटे से छोटे व्यक्ति भी मरण अवस्था तक चले गए थे, कुछ किसी बात की हमें कोई गारंटी नहीं, परंतु एक बात की गारंटी है, जो नाम के चरणाश्रित हो जाता है नाम नामी तक ले जाता है हमें, प्रभु का रूप दर्शन धाम दर्शन सेवा सब कुछ प्राप्ति केवल नाम से। श्रील प्रभुपाद जी ने इस पूरे विश्व भर अंतरराष्ट्रीय संघ को कैसे स्थापित किया, केवल नाम के प्रभाव से। न्यूयॉर्क में बैठकर एक वृक्ष के नीचे एक छोटे से डमरू रख के मृदंग रख के प्रभुपाद जी ने 3-3 घंटे संकीर्तन करके भक्तों को एकत्रित किया। श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे जगत में जो एक बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण भक्ति का जो प्रचार किया, जो विप्लव एक आंदोलन जो खड़ा किया, वो नाम के बल पर। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये हरे कृष्ण मूवमेंट है, ये दिस इज चैंट एंड बी हैप्पी, नाम जपो और प्रसन्न हो जाओ, ये सर्वश्रेष्ठ रामबाण है हमारे हाथ, प्रभु पतंग है, नाम दोरी है, नाम जापक उस दोरी को धरने वाला पतंग उड़ाने वाला भक्त है। पतंग दूर से देखो तो लगता है स्वतंत्रता से उड़ रहा है,
परंतु पास जाकर देखो उस पतंग को पकड़ने वाला एक दोरी है, उस दोरी को खींचो तो पतंग पास आता है, उस दोरी को छोड़ दो या काट दो तो पतंग निकल जाता है। सरल बात है, प्रभु पतंग है, दूर से देखो तो लगता है कि स्वतंत्र भाव से उड़ रहे हैं, परंतु पास जाकर देखो तो कोई ना कोई भक्त है जो उस पतंग को नाम के दोरी से पकड़कर प्रभु को अधीन किया है। नाम जापक यदि नाम रूपी दोरी को खींचते रहे तो प्रभु पास आ जाते हैं, और यदि उस नाम जाप की दोरी को छोड़ दे, ढीला छोड़ दे या कट दे, नाम करते करते बस छोड़ दे, तो प्रभु के साथ संबंध या वो पतंग के साथ दोरी का जो संबंध वो छूटने लगता है। सभी शास्त्रों का सार हरेर नामैव केवलम, स गुरु स पिता चापि स माता बांधवो पिसा शिक्षये चेत सदा स्मर्तुम हरेर नामैव केवलम। नीलकंठ गोस्वामी ने जो केवलाष्टकम लिखा उसमें वर्णन है, वही हमारे पिता है, वही हमारी माता है, वही हमारे भ्राता बंधु सखा और गुरु है। कौन? जो हमें सदा सर्वदा स्मरण कराए कि हरिनाम ही हमारा सर्वश्रेष्ठ बंधु है। जिस प्रकार एक सखा के साथ समय बिताने पर वो मित्रता घनिष्ठ होती है, यदि कोई व्यक्ति के साथ आप रोज यदि एक एक घंटे दो दो घंटे खेलने लगे, क्रिकेट खेल रहे हैं, बाल्यावस्था की बात है, तो होता क्या है, उनके साथ जो जो सख्य भाव है, मैत्री जो है वो घनिष्ठ होने लगता है, और ऐसे होने लगता है जहां भी जाओ मैं उस मित्र को ले जाऊं, और मित्र ना आए तो स्मरण, अरे यदि आप होते तो अच्छा लगता, ये भाव। यदि ऐसा संबंध नाम के साथ होने लगे, दिन प्रतिदिन दो घंटे तीन घंटे चार घंटे हम नाम के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने लगे कि जहां भी जाए नाम को ले जाए, और ना ले जाए, माला कहीं छूट जाए, घर में छूट जाए तो स्मरण, अरे माला झोली हम ले आते तो और चार पांच माला कर लेते, ये लोभ। हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि उनको एक बार किसी ने प्रश्न पूछा कि भक्त तो दो घंटे में 16 माला कर लेते हैं, तो पूरा दिन ऐसे माला झोली टंगा कर क्यों चलते हैं? लोगों के भी विचित्र विचित्र प्रश्न होते हैं, कुछ भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो हमारे महाराज जी को प्रश्न पूछे कि दो घंटे में 16 माला तो हो जाता है, परंतु आपके संस्था के भक्त सदा सर्वदा माला झोली ऐसे कंठ में धारण करके क्यों चलते हैं? तो हमारे महाराज जी ने कहा, जो सैनिक होता है, जो बॉर्डर पर खड़ा होता है, उसको मानो जीवन में एक एक बार रणभूमि में उतरने का सौभाग्य होता है, परंतु दिन रात वो गन लेके चलता है। अभ्यास तो गन चलाने का रहता है, वार का सौभाग्य शायद एक ही बार आ जाए जीवन में, परंतु दिन रात वो अभ्यासशील रहता है और हाथ में गन लेके चलता है। उसी प्रकार भक्त के जीवन में आक्रमण करने का सौभाग्य एक ही बार मिलता है मृत्यु के समय, परंतु उसकी गन की तैयारी दिन रात होती है। जिस प्रकार सैनिक गन लेके चलता है, हमारे भक्त गन रूपी माला झोली लेके चलते हैं, दिन रात नाम चलाने का अभ्यास करते हैं। पता नहीं युद्ध कब प्रारंभ हो जाए, पता नहीं मृत्यु रूपी आक्रमण कब हो, उस आक्रमण मृत्यु रूपी युद्ध भूमि में, रणभूमि में व्यक्ति सफल हो जाए, इसलिए उसका अभ्यास हम इस गन के प्रयोग से माला झोली लेकर दिन रात नाम जपते हैं, ताकि जब भी मृत्यु आए, जहां भी आए, किसी भी अवस्था में आए, नाम चलता रहे। आपको हम सत्य घटना बताते हैं। एक भक्त जो हम बहुत निकट से जानते हैं, कई सालों से जानते हैं, वो गाड़ी में जा रहे थे, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में की कथा है ये, और ये लगभग 4-5 साल पहले की कथा है। नवयुवक अवस्था है, अभी तो ब्रह्मचारी है, वो मंदिर में सेवा करते हैं, परंतु ये ब्रह्मचारी होने के पूर्व की समय है। वो गैरवे वस्त्र को आत्मसात नहीं स्वीकारे थे। वो पंजाब से हरियाणा जा रहे थे गाड़ी में, और एक्सीडेंट हुआ, आगे बैठे थे और पता नहीं सामने से कोई शराबी व्यक्ति हो, पीकर ट्रक चला रहा था, और ऐसे मतलब दुर्भाग्य दुर्घटना हुई। ये भक्त जो आगे बैठे थे, नाम जप रहे थे, आप सबको विश्वास नहीं होगा, हम सत्य प्रभु की सौगंध खाकर, सत्य शपथ खाकर हम ये कथा कह रहे हैं, ये सत्य कथा है। व्यक्ति आगे बैठा है और दुर्घटना हुई, तेजी गति से ट्रक के साथ मानो एक्सीडेंट हुआ, जो ड्राइवर था तत्क्षण मर गया, और ये भक्त पास बैठे थे, एक्सीडेंट हुआ, यहाँ का जो जौ है, जबड़ा है, ये यहां से गिर गया, यहां एक्सीडेंट होकर कांच लगकर ये ऐसे मानो गिरा है नीचे तक,
और पूरा खून, यहाँ की हड्डी टूटी है, यहाँ का हाथ टूटा, कॉलर बोन टूटा है, यहाँ का हिप फ्रैक्चर है, मतलब ऐसी अवस्था, यहाँ का जॉ घिरा है और हर जगह खून, खून के तालाब में बैठा ये भक्त। आपको विश्वास नहीं होगा, उस समय में वो भक्त कहता है, लगभग 27-28 की नवयुवक अवस्था होगी, वो भक्त कहते हैं, बाकी लोग कह रहे हैं अरे डॉक्टर को बुलाओ देखो क्या हालत है, वो भक्त माला जोली लेकर हाथ डालकर जबड़ा हिल नहीं रहा, आपको विश्वास नहीं होगा 25 मिनट लगा डॉक्टर आने के लिए। वो 25 मिनट वो भक्त इतनी यातना, इतनी पीड़ा, इतनी दुख भोग भोग कर शरीर में बैठकर नाम जप रहे हैं। और भक्त को बाद में पूछा गया, वो कहते हैं डॉक्टर आए ना आए पता नहीं, मृत्यु आए ना आए पता नहीं, परंतु हमारे रक्षक तो प्रभु का नाम है, प्रभु का नाम यदि जीवा पर हो तो प्रभु रक्षा करेंगे, इस आत्मविश्वास से हम बैठे हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं और हमारा परस्पर संबंध नाम की दोरी है। जिस प्रकार माँ के गर्भ में जो स्थित बच्चा होता है, इन दोनों के बीच में एक दोरी होती है जिसका नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड। इस अम्बिलिकल कॉर्ड से माँ को जो पोषण मिलता है उससे बच्चा भी पुष्ट हो जाता है। तो भक्त कहते हैं प्रभु और हमारे बीच, प्रभु माँ स्वरूप है और हम बच्चे स्वरूप हैं, हम उनके गर्भ में पल रहे हैं इस जगत, और हमारा संबंध अम्बिलिकल कॉर्ड है ये माला जोली। तो जितना हम माला घुमाएं उतना ही प्रभु की कृपा और प्रभु की रक्षा से हम पुष्ट हो जाएंगे। ऐसी अवस्था देखते हम चौंक गए कि ऐसे भी आधुनिक प्राचीन मानव समाज में ऐसे भी भक्त हैं जिनकी चेतना इतनी विकसित, इतनी उच्च कोटि की है। हम वरिष्ठ मानो नामाचार्य हरिदास ठाकुर की तो कथा सुने हैं कि 22 मार्केट में उनको घसीटा गया, मारा गया, फिर भी नाम को नहीं छोड़ रहे थे। पर अभी के समाज में ऐसे भक्त, और लगभग 3 महीने वो अस्पताल में रहे क्योंकि उनका मानो हिप फ्रैक्चर हो चुका, कॉलर बोन फ्रैक्चर हो चुका, यहाँ फ्रैक्चर हो चुका, यहाँ एक हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है, रील की हड्डी में एक कॉलम में फ्रैक्चर था, ऐसी अवस्था। और वो कहते हैं प्रतिदिन हम 64 माला कर रहे थे, प्रतिदिन अस्पताल में होकर कह रहे थे, ऐसी सुंदर अवस्था, 3 महीने मानो केवल पलंग में लेटे थे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं, भोजन मिल रहा है, विश्राम मिल रहा है और केवल नाम जप। वो मुझे कह रहे थे हम अन्य कोई सेवा कर नहीं पा रहे थे, केवल प्रभु के नाम का आश्रय, इतना आनंद। मुझे कहते हैं वो भक्त, इतना आनंद आपको विश्वास नहीं होगा। अरे प्रभु जी वो अवस्था आती रहे ताकि हम बीच में ब्रेक ले और केवल नाम का आधार ले, हरी कथा सुन रहे और नाम जप रहे, हरी कथा सुन रहे। आप मुझे बताइए ऐसी अवस्था कैसे हो सकती है? यदि कोई नाम जापक ना हो तो मानो मति भ्रष्ट हो जाएगी, पागल हो जाएगा व्यक्ति। यहां विपत्ति में भी अपार संपत्ति देखने की दृष्टि नाम जापक में हो सकती है और किसी में नहीं, और किसी में नहीं। ऐसे हमने कई उदाहरण देखे हैं, ये नाम की अपार महिमा। नाम करने से चेतना बदल जाती है, नाम करने से दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदल जाए दृष्टि से सृष्टि होती है। भगवान के दृष्टि से सृष्टि हुई ना, उसी प्रकार हमारे दृष्टि से भी सृष्टि होगी। केवल दृष्टिकोण है, सृष्टि जो देख रहे हैं ना ये हमारे दृष्टिकोण पर है। कोई देखता है कि देखो कितना दुख है, और कोई देखता है देखो कितना सुख है। दृष्टि से सृष्टि बनती है और वो दृष्टि मिलती है नाम से। नाम करने से चित्त शुद्ध होता है, नाम करने से काम क्रोध लोभ मोह को जीतने का आत्मबल मिलता है, नाम करने से सभी पापों से मुक्ति होती है, नाम करने से व्यक्ति में आध्यात्मिक बल आने लगता है। वो जो कहते हैं 4 लोगों के हृदय में मानो तीर की तरह आक्रमण होता है, जैसे कई लोग कथा करते हैं, हम जैसे लोग कई लोग कथा करते हैं, बस आए बक बक किए और चले गए, तो कोई परिवर्तन नहीं, कोई प्रभाव नहीं। परंतु कोई नाम जापक होगा, आप उनसे कथा सुनिए, आधे घंटे कथा सुनिए, आप देखेंगे आपके चित्त में मानो एक तांडव मचेगा, आपका चित्त उछलने लगेगा, इतनी प्रेरणा, इतनी शक्ति संचारित होने लगेगी। वो शक्ति उनमें आई कहां से? नाम से। नाम करने वाले व्यक्ति जब वो कथा करते हैं, श्रोता के हृदय में आक्रमण होने लगता है। नाम करने से प्रभु प्रिय हो जाते हैं, नाम करने से प्रभु हमारी ओर देखते हैं। जिस प्रकार जो कोई बड़ा लड़का हो
वो माँ 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 बार बार नहीं पुकारता, वो अपने काम में रत रहता है, तो माँ भी ज्यादा दखलंदाजी नहीं करती उनके कार्यों में। पर जो छोटा बच्चा होता है पूरा दिन मम्मी मम्मी करता है, तो माँ भी पूरा दिन उस बच्चे की ओर देखती है जो पूरा दिन मम्मी मम्मी करता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी जो योगी जो ध्यानी होते हैं वो बड़े बच्चे के समान वो अपने बल पर प्रभु को प्राप्त करते हैं, परंतु जो भक्त होता है वो छोटे बच्चे समान पूरा दिन प्रभु का नाम पुकारते हैं। तो प्रभु का हृदय माँ का हृदय है, वो वहां देखते हैं जहां भक्त पुकारता है। और ये हम काल्पनिक बात नहीं कह रहे हैं, हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर नामैव केवलम, यत्र गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारद। प्रभु ने ये बात प्रमाण के साथ श्लोक के साथ शास्त्र में कहा है, जहां भक्त मेरा नाम उच्चारण करते हैं मैं उस भक्त की ओर देखता हूँ, अपने दृष्टि से उस भक्त को रक्षित रखता हूँ, पालित रखता हूँ, पोषित रखता हूँ, पुष्ट रखता हूँ। प्रभु रक्षा करते हैं, प्रभु शक्ति संचारित करते हैं। जिस प्रकार माँ गोद में उठा लेती है ना बच्चे को, जो मामा मामा करता है, उसी प्रकार प्रभु अपने गोद में उठा लेते हैं भक्त को जो कृष्ण 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 करता है। अरे हमारी बात छोड़ दीजिए, हम सबकी बात छोड़ दीजिए, प्रभु स्वयं इस जगत में जब अवतार लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो नाम साधन को ही आत्मसात किए, दिन रात नाम किए, जप किए, कीर्तन किए। उन्होंने तो प्राणियों को भी झारखंड वन में यात्रा करते करते महाप्रभु ने प्राणियों को जंगली जानवरों को हरिनाम के नृत्य में नचाया। तो भगवान भी जब साधन करते हैं तो नाम के आश्रित होते हैं। मेरे पूरे कथन का सार यही है कि ऋग्वेद हो अथर्वेद हो साम वेद हो अथर्वण अधीनस्तेन येनुक्त हरे नाम इत्यक्षर द्वयम्। शास्त्र में वर्णन आता है हरि केवल ये दो अक्षर कहने पर, हरि व्यक्ति को अथर्ववेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद चारों वेद का पठन करने का फल मिलता है। ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो और अथर्वण, देखो श्लोक के साथ हम कह रहे हैं, ये हमारी कोई बात नहीं है, हम केवल वेटर हैं। जिस प्रकार कोई रेस्टोरेंट में जाओ तो वेटर का काम है बस खाना ले आना, आप सब यहाँ के यजमान हैं और हम वेटर रूप में हमारे आचार्यों ने जो नाम के विषय में लिखा जो बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाए हम केवल आप तक ले आने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई निज योगदान नहीं। आपको अच्छा लगे तो आचार्यों की जय हो, बस आप रसपान कीजिए ना, इस पकवान जो बनाए उसको मुख में रखिए ना। क्यों हम सामने समोसा हो हृदय में भूख हो और व्यक्ति ना पाए, इससे बड़ी मूर्खता होगी। तो हमारे हृदय में प्रभु को मिलने की भूख है, सामने स्वादिष्ट नाम प्रभु है और फिर भी इसको ना चखे, मानव शरीर प्राप्त करके हरिनाम ना चखे तो फिर क्या फायदा। तो ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अधीनस्तेन येनुक्तम हरि इति अक्षरद्वयम्। केवल हरि दो अक्षर उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति को चार वेद का सार पकड़ने का ग्रहण करने का फल प्राप्त है। तो इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम् नाम्नाम् कलि कल्मष नाशनम् नाथ परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। कलि संतारण उपनिषद में ब्रह्मा जी चार मुख से जय घोष कर रहे हैं नाम की महिमा। नारद मुनि को कहते हैं ये 16 शब्द के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है कलि काल में, ये सबसे सुलभ सबसे सुरम्य पथ है, सुगम पथ है प्रभु के प्राप्ति के लिए। प्रभु के लिए प्रेम जागृत हो जाता है, प्रभु का रूप प्रकाशित होता है, प्रभु की सेवा में नियुक्ति होती है, प्रभु के धाम में प्रवेश होता है, भव संसार से मुक्ति होती है, चित्त का शुद्धिकरण होता है, अनर्थों का शमन होता है, अपराध सब नष्ट विनष्ट होते हैं, व्यक्ति में भक्ति और शक्ति संचारित होती है। और ये सब प्राप्त हो तो बचा ही क्या। हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, जय जय श्री राधे श्याम श्री वृंदावन धाम।